डियर स्टूडेंट्स uh, मुझे इस मॉड्यूल में प्रैगमेटिक्स uh, के बारे में थोड़ी डिटेल से बात करनी है प्रैगमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज प्रेगमेटिक्स इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट एंड इट डील्स विद अंडरस्टूड मीनिंग्स यानी ये जो लिसनर uh, होता है या लर्नर होता है वो उसने जो मीनिंग्स अंडरस्टैंड किए होते हैं वो उनकी बात करते हैं तो यानी ये, ये क्या है वो लैंग्वेज यूज़र का कॉन्टेक्स्ट है uh, इसके बरक्स के वो लेक्सिकल मीनिंग या ग्रामेटिकल या उसके लगत के लुगवी माना जो है लिटरल मीनिंग है वो नहीं होते बल्कि जो लिसनर ने अंडरस्टैंड uh, किए होते हैं सो हाउ अटरेंसेज आर यूज इट इज़ अबाउट इंटरप्रेटिंग वट स्पीक मीन तो अट्रेंस जो यूज़ किए जाते हैं अल्फाज जो यूज़ किए जाते हैं उनकी इंटरप्रेशन जो स्पीकर करता है उससे वो मुराद होती है तो क्या मतलब है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट इन अदर वर्ड्स प्रेगमेटिक्स हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ ईच अदर लिंग्विस्टिकली वो यानी लैंग्वेज के लिहाज से वो किस तरह जब बात करते हैं तो किस तरह वो अपनी बात किसी दूसरे पर वाजे करते हैं या वो अल्फाज की तशरी किस तरह करते हैं अट्रेंस द यूज ऑफ सेंटेंस इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स और अटरेंस आर एक्चुअल फिजिकल इवेंट्स तो ये क्या एक्चुअल फिजिकल इवेंट्स होते हैं ठीक है और उनकी जो इंटरप्रटेशन है बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड नॉलेज अबाउट द कॉन्टेक्ट न सिर्फ वो उसके जो मीनिंग हैं उनका वर्ड्स के मीनिंग है लेकिन वो प्रैगमेटिक्स में उनके साथ साथ उनके कॉन्टेक्स की भी स्टडी की जाती है तो अगर हम कॉन्टेक्स के बगैर लैंग्वेज की स्टडी करेंगे तो वो प्रैग्मेटिक्स के जुमरा में नहीं आएगी तो लिंग्विस्टिक्स uh, ने इस बात पे स्टडी की है प्रैग्मैटिक कंपिटेंस ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स टू उनकी फाइंडिंग से ये पता चला है कि द ग्रामेटिकल इन्हांसमेंट डज नॉट गारंटी द डिजायरेबल लेवल ऑफ प्रेग्मेटिक एनहैंसमेंट Uh, इससे मुराद ये है कि लिंग्विस्टिक uh, माहरीन की रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक ये है कि ग्रामेटिकल जो इनहेंसमेंट है वो गारंटी नहीं होती वो uh, किसकी प्रैग्मेटिक प्रेगमेटिकसमेंट की, की। यानी वो कॉन्टेक्स्ट की इन्हांसमेंट की गारंटी नहीं होती और उसकी वो दलील ये देते हैं कि इवन एडवांस लेवल लर्नर्स आर इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कन्वेइंग द डिज़ायर्ड इंटेंशंस एंड पोलाइटनेस वैल्यूज़ तो वो बाज़ात जो अपनी इंटेंशंस होती हैं वो जो अपनी आ, उनमें पोलाइटनेस की वैल्यूज़ होती हैं वो उस लैंग्वेज से इजहार करने के काबिल नहीं होते क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो इज़हार का सबसे बड़ा जरिया है और जब किसी कॉन्टेक्स में पर्टिकुलर इवेंट में और पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आ, कोई आ, जो स्पीकर है वो ज़ाहिर करेगा तो लाजमी तौर पर वो प्रैगमेट प्रैगमेटिक्स पे को इन्वॉल्व करेगा और उस पर गौर करेगा तो वो लिटरल मीनिंग से ज़्यादा तो जैसे कि पोइट हैं या और राइटर्स हैं या इस तरह के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं वो प्रैगमेटिक्स की बात करते हैं वो मतलब है कि एक इमेजिनेशन या एक तासर पैदा करने के लिए उसमें बात करते हैं तो, आ, तो ये थी ना प्रेगमेटिक्स uh, की स्टडी जो मैंने अभी आपसे बात की डिटेल से